हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन में। मैं आज आपको देने वाला हूँ बांग्लादेश T20 का जो मैच होने वाला है, कोमला विकिंग्स और रंगपुर राइडर्स, इनके बीच की मैं आपको टीम देने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में दोनों ही ऑप्शन अच्छे होंगे। लिट्टन दास भी अच्छे ऑप्शन है, मोहम्मद मिथुन भी अच्छे ऑप्शन है, बट हम मोहम्मद मिथुन पर भरोसा जता रहे हैं बिकॉज ये बहुत अच्छे प्लेयर थे पिछले सीज़न के और अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका, और कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं, तो इस बेसिस पे हम इनको ले रहे हैं। बैटिंग में जॉस बटलर को ले रहे हैं, तमीम इकबाल को ले रहे हैं, इमरुल काइस को हम ले रहे हैं और शरियार नफीस को ले रहे हैं। गाइज, मैं यहाँ से आपको एक बात बता दूँ, जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है रंगपुर के, वो एडम लिथ हैं और जॉनसन चार्ल्स हैं। अगर आप ग्रैंडली खेल रहे हैं तो आप इन पर रिस्क ले सकते हैं, अभी फॉर्म में नहीं है, बट एडम लिथ और जॉनसन चार्ल्स बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, तो आप चाहे तो रिस्क ले सकते हैं इन पर। मैं इनको अभी स्मॉल लीग की टीम में नहीं लूँगा, और ग्रैंड लीग में भी बहुत रिस्की ऑप्शन होंगे जॉनसन चार्ल्स और एडम लिथ, तो आप सोच समझ कर इनको ले। ऑलराउंडर सेक्शन में ड्वेन ब्रावो को ले रहा हूँ, रवि बोपारा को ले रहा हूँ, तिसेरा परेरा को ले रहा हूँ। आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ से, मोहम्मद नबी और मार्लोन सैमुअल्स, बट ऑलराउंडर सेक्शन में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं और बैटिंग में भी इतने अच्छे प्लेयर नहीं है जितने ऑलराउंडर सेक्शन में है, और लिमिट तीन ऑलराउंडर की है, तो हमें सोच समझ कर फैसला लेना पड़ेगा। रवि बोपारा हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनको आप नहीं छोड़ सकते। तिसेरा परेरा भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरऑल पॉइंट अच्छे अर्न कर लेते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही कर लेते हैं, उस बेसिस पे इनको ले रहा हूँ। ड्वेन ब्रावो को ले रहा हूँ, आप चाहे तो मार्लोन सैमुअल्स भी ले सकते हैं। फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट में मशरफ़ मुर्तज़ा को ले रहा हूँ, राशिद खान को ले रहा हूँ, आप यहाँ से लसित मलिंगा को भी ले सकते हैं, और मोहम्मद सैफुद्दीन को ले रहा हूँ बिकॉज 8 क्रेडिट में मोहम्मद सैफुद्दीन ही आ सकते हैं या फिर मोहम्मद नाजमुल इस्लाम आ सकते हैं, तो आपकी चॉइस हो कि आप किसको लेना चाहते हैं। मैं एक बैलेंस टीम क्रिएट कर रहा हूँ तो मोहम्मद सैफुद्दीन को लूँगा। आप देख सकते हैं गाइस, एक बैलेंस टीम हमने बना ली है, दोनों साइड से हमने तीन तीन बॉलर कवर कर लिए हैं ऑलराउंडर सेक्शन को मिला के, और बैट्समैन भी हमने चार चार कवर कर लिए हैं दोनों साइड से, तो एक ये बैलेंस टीम हो गई। आप कैप्टन की बेस्ट चॉइस रवि बोपारा होंगे जो अभी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस जो होंगे वो जॉस बटलर होंगे जो अभी फ़िलहाल सारे बैट्समैन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हर मैच में अच्छा स्कोर करते हैं, बॉलिंग भी नहीं करते उसके बावजूद भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, ये आपको अच्छे से अच्छे पॉइंट दिला सकते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आप तमीम इकबाल को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं बांग्लादेश के, पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे बट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं बांग्लादेश के। आपको पता होगा बांग्लादेश के मैचेस में ओपनिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं, तो कभी भी एक बड़ा स्कोर देखने मिल सकता है तमीम इकबाल की बल्ले से, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि तमीम इकबाल को आप एक टीम में कैप्टन ज़रूर बनाएं बिकॉज ये कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस आप ऑलराउंडर में से ही रखें, और बैटिंग सेक्शन में जॉस बटलर और इमरुल काइस को आप रख सकते हैं, और ग्रैंड लीग के लिए आप तमीम इकबाल को ट्राई कर सकते हैं या फिर जो हमने दो बैट्समैन छोड़े हैं रंगपुर के, एडम लिथ और जॉनसन चार्ल्स, इनको भी आप रख सकते हैं बिकॉज बहुत अच्छे बल्लेबाज है, अभी फॉर्म में नहीं है बट जिस दिन फॉर्म में आएंगे आपको ग्रैंड लीग विन करवा सकते हैं। तो ये कुछ टिप थी, एक बार हम टीम को सेव कर लेते हैं, प्रीव्यू देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं रंगपुर से हमने 5 प्लेयर कवर कर लिए, और कोमला विक्टोरियन से 6 प्लेयर कवर किए, और एक बैलेंस टीम क्रिएट कर ली है हमने। तो ये हमारी टीम थी, अगर कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपको दे दूंगा, फिलहाल के लिए हमारी टीम यही रहेगी और ये बेस्ट टीम है। आप अपने हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन रखें क्योंकि कभी कभी जो मैं बताता हूँ उसका चलना ज़रूरी नहीं कि वो चलेगा ही चलेगा, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करें, आपको क्या लगता है उस हिसाब से, आपको फीलिंग क्या आती है उस हिसाब से भी आप रख सकते हैं। कभी कभी हमारी फीलिंग बहुत अच्छी होती है, हम किसी प्लेयर कैप्टन बनाते हैं और वो बहुत अच्छा स्कोर करता है, तो टीम को कॉपी बिल्कुल ना करें, अपने हिसाब से एक दो चेंजेस करें और कैप्टन वाइस कैप्टन भी अपने हिसाब से रखें। मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ किसके पास ज़्यादा चांसेस हैं और कौन फॉर्म में चल रहा है, ठीक है गाइस। अगर आपने अभी हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ आप हमें फॉलो कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके गाइस, थैंक यू।